पहुंच गए एयरपोर्ट पे। बताता हूँ कि कहाँ जा रहा हूँ, सडन प्लान एकदम से, देखता हूँ कहाँ जाऊँगा, देखता हूँ कहाँ नहीं, मतलब प्लान ही है बट बहुत सडन प्लान है, देखते हैं। अभी पहुँचा हूँ एयरपोर्ट पे, T3 पे वो जा रही है फ्लाइट, एक बोर्डिंग पास। भाई बहुत लाइन है यार, पता नहीं कहाँ आ जाए, कौन, सारे गेट फुल हैं भाई, इसमें चलते हैं, इसी लग रहा 5 नंबर। सिक्योरिटी चेक इन, भाई एंटर कर गए, अभी देख रहे हैं कि शेड्यूल क्या है। सही है, टाइम पे क्या कह रही है मैडम। भाई ये है यहाँ के एंट्री करते ही अपना चेक इन वगैरह कराओ, सब एयरलाइंस के अपने यहाँ पे वो हैं चेक इन, अपना क्या कहते हैं उसे, चेक इन अपना बैग, अपनी बैगेज चेक इन कराओ और निकल जाओ यहाँ से। चलो भाई चलते हैं, अभी अपना चेक इन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय यहीं पे सिक्योरिटी चेक इन करता हूँ। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, देखते हैं। सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, भयंकर वाली। चलो किसी लॉन्ज में चलता हूँ, कुछ खाना खाता हूँ यार, सुबह से कुछ नहीं खाया है, देखते हैं भाई खाना खाता हूँ यार, यहीं से चलते हैं ऊपर। यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ आपको खाना नॉर्मल खाना है खा सकते हो सकता है थोड़ा कॉस्टली हो, आई डोंट नो, बट काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, सब डोमिनोज एवरीथिंग इज हियर। मैं तो वहाँ पे कोई लॉन्ज में जाता हूँ, थोड़ा सा खाना खाऊंगा यार, भूख लगी है बहुत ज़ोर से, देखते हैं। मेरे SDFC वाले पे है, लेट्स सी। भाई मैंने खाना खा लिया लॉन्ज के अंदर, अभी जा रहा हूँ अपने गेट पे अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए। सॉरी अपनी तरफ कैमरा नहीं कर रहा, थोड़ी देर में करूँगा जब थोड़ा सा सांस आ जाएगा मुझे, तो चलो। सही लेट हुए हैं भाई, फटाफट भाग रहे हैं, मैं ही हूँ लास्ट शायद, दिखे फ्लाइट तो वही नहीं दी, कहाँ है भाई, शायद इधर है। चलो निकलते हैं मुंबई, वेलकम टू मुंबई। मुंबई आ गए भाई, अपना जैकेट बुलाया भाई, उसी का वेट कर रहा हूँ, विस्तारा के जो मेंबर है वो आएंगे, वो लेके आएंगे यार, काफ़ी देर हो गई। गाइज गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई। कल ना थोड़ा सा मैं थक गया था और आते ही सो गया, इसलिए मैं आपसे बात भी नहीं कर पाया, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ। कल एक्चुअली कुछ अर्जेंट प्लान मिला मेरे मुंबई आने का, बेसिकली मेरे को ऑफिस जाना था, ऑफिस से काम से आना था दिसंबर में, तो मुझे बेस्ट टाइम लगा कि मैं कल ही आ जाऊँ, क्योंकि घर पर मनीषा आई हुई है एंड सुषमा का थोड़ा टाइम लग जाएगा, मतलब मन लग जाएगा वहाँ पे, तो मैं अभी आता हूँ, नहीं तो बाद में सुषमा को छुट्टी करनी पड़ती। एक चीज़ और, मैं ना डेंगू हो गया था मुझे, तो मैं अभी हॉस्पिटलाइज था 7-8 दिन के लिए, तो वहाँ पे बिजी था तो व्लॉग वगैरह भी नहीं कर पाया कुछ भी, तो इसलिए अभी मतलब वहाँ से उठा और सीधा यहाँ पे आ गया। 2 दिन हुए थे मुझे डिस्चार्ज हुए और सीधा यहाँ पे आ गया। अभी देखते हैं, मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है कहीं घूमने का, बट मैं पहले तो ऑफिस का काम करूँगा, शायद 2-3 घंटे में हो जाएगा काम। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके नहा धोके जाऊँगा 10 बजे के अराउंड, और जो जो मैं देख पाऊँगा मैं दिखाऊँगा आपको, बट मेरा अभी प्लान है क्योंकि मैं अभी ना जुहू में हूँ और अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ब्रेकफास्ट करते यहीं पास में मैंने देखा था कि अमिताभ बच्चन का घर है ये जलसा करके, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ एक बार वॉकिंग पे यहीं पे, तो मैं नीचे ब्रेकफास्ट करके वहाँ एक बार देख के आऊँ, तो वो देख के आके नहा धो के चेकआउट करके फिर निकलेंगे ऑफिस के काम के लिए, जिस काम के लिए आया हूँ। शाम को अगर हिम्मत रही, क्योंकि डेंगू से आया हूँ वीकनेस थोड़ी सी है, हिम्मत रही तो फिर थोड़ा सा घूम के आऊँगा,
यहाँ बीच वगैरह भी है, तो वो एक बार दिखाऊंगा आपको मैं। चलो ऑलरेडी नहा धो के हो गया, खैर अब मैं निकल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करूँगा और फटाफट से जाऊँगा यही देखने के लिए जलसा अमिताभ बच्चन का। कल रात को खाना लेके आया और खाया थोड़ा सा ही, देखो थोड़ा सा खाना खाया क्योंकि एपेटाइट मेरा आया नहीं है ना ढंग से अभी, तो इसलिए टाइम लग गया, टाइम लगेगा एपेटाइट प्रॉपर आने में, तब तक नॉर्मल थोड़ा थोड़ा खाऊंगा। तो ये क्विक रूम टूर है मेरा, एंट्री एंट्री करते ही बड़ा सा बेड, नॉट बड़ा सा, नॉर्मल क्वीन साइज बेड है, वहाँ पे अपना बैठने का, एक बड़ा सा टीवी, किचन एमिनिटीज एंड चार लेडीज, वॉशरूम, वॉशरूम का एक इन्होंने पंगा कर रखा है, नहाने के लिए ना अलग से नहीं दे रखा, यहाँ पे सिर्फ ये जकूजी में बैठ के नहाओ पागलों की तरह, फालतू कोई फिसल जाए गिर जाए, ये रूम है। चलो चलते हैं फटाफट से और ब्रेकफास्ट करते हैं। भाई आ गया अपना ब्रेकफास्ट, फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, निकलते हैं ब्रेकफास्ट में, नॉर्मल साउथ इंडियन है यार तो यही खाना पड़ेगा। चलो फिनिश करते हैं। तो भाई मुंबई की वाइब तो अलग है यार, गोवा जैसी है, मतलब एक अजीब सी यार अच्छी सी खुशबू है, शायद पास में हुआ है ना समुद्र, तो उस वजह से। मैं निकल पड़ा हूँ अभी अमिताभ बच्चन का घर देखने, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, देखते हैं। बढ़िया सी गाड़ी दिखी है, गाड़ी को लेके आए हैं सफारी पर, आ रही पता नहीं क्या है। ओ भाई अच्छी भाई है सच में, सुबह सुबह वॉक पे वहाँ तो कहीं है उस चौराहे पे। ये भाई अमिताभ बच्चन का घर, वहाँ पे बूढ़ी गार्ड वगैरह खड़े हैं शायद, हो सकता है अभी निकले। अच्छी ये भाई वो बोला बड़ा सही से घर है, देखते हैं अभी बीच एरिया साला, वो तो देख लिया यहाँ से, देखते हैं लोग मॉर्निंग वॉक से आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ जींस पैंट पहन के। चलो बीच देखते हैं, जुहू बीच, अभी मुंबई का जुहू बीच ऐसा दिखता है दूर से एंट्री करते वक्त, बड़ा सही भाई गोवा वाली फील आ गई। यहाँ पे कुछ कैफेज हैं, खाना वाना खाना तो सुबह सुबह, बहुत बढ़िया। अब यार पता होता तो मैं अपनी शॉर्ट्स में आ जाता, शूज़ पहन के थोड़ी जॉगिंग भी हो जाती सुबह सुबह, पता नहीं था यार ऐसा माहौल है। चलो जींस पहन के आ गए, तब वॉकिंग करनी पड़ रही है। ओ गॉड शायद आगे है काफ़ी यार, उधर चलते हैं। भाई का सही मीठा पानी है भाई, झकाझक पानी यार, मीठा बड़ा मीठा पानी लगा भाई। और पिए अंकल के पास से थोड़ा सा, फिर निकलता हूँ अपने ऑफिस के काम के लिए, चेकआउट करता हूँ। बड़ा मीठा पानी था भाई, और पियेंगे एक नारियल पानी। हे गाइस, सो घूम के आ गए हैं वापस, तो अभी जा रहा हूँ मैं ऑफिस के काम के लिए और इस होटल को करता हूँ बाय बाय, क्योंकि मैंने की दूसरी बुकिंग, मुझे होटल सही नहीं लगा तो चेंज कर दिया। अभी जा रहे हैं, मैं शाम को शायद चेक इन करूँगा वहाँ पे लगभग 3-4 बजे के अराउंड, तभी तक ऑफिस से फ्री हो पाऊंगा, तो मैं आपसे ऑफिस का काम करके तब मिलता हूँ जब मैं कैब पकड़ता हूँ, ठीक है। शायद मैं ऑफिस ना काम करके सोच रहा हूँ वहाँ फिल्म सिटी जाऊँ, वहाँ पे मेरा ये प्लान बन रहा है, क्योंकि तो 1-1.5 घंटे में अगर घूम पाऊँ तो वो देख के और फिर जाऊंगा होटल में, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो देखना आप नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग को मैं यहीं करता हूँ खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट लाइफ।